तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कुछ चीजें हैं जो कि हम बात करेंगे उसके ऊपर। हमने प्रीवियस क्लासेस में अखिलेश जी आपके साथ डिस्कस किया था पेस्ट के बारे में कि पेस्ट क्या है, पेस्ट फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ फॉर्मूला, नंबर फॉर्मेट क्या है, तो इसके बारे में। उसके बाद हमने ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि जैसे हमने यहाँ पे 20 टाइप किया और यहाँ पे 30 टाइप करूँ, अगर 20 को 30 के ऊपर अगर नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो रिप्लेस होता है। लेकिन 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 अगर इसमें हम पेस्ट स्पेशल करें और इसके अंदर हम सिलेक्ट करें कैलकुलेशन, जैसे कि ऑपरेशन में मैंने सिलेक्ट किया एड या मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, तो मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 20, और जो रिजल्ट होगा आपका 600, वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसका यूज होता क्या है। चलिए एक दो यूज हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ डेटा है सेल्स का, जैन फेब मार्च मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ऐसे डेटा ज्यादा भी हो सकता है और हम रैन बिटवीन फॉर्मूला की मदद से इसके अंदर कुछ वैल्यू रैंडम वैल्यू ले आते हैं। अब मान लीजिए कि ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को मुझे किसी को भेजना है। अब सामने वाला पर्सन बोलता है कि मुझे इस रिपोर्ट में ये मत दिखाओ कि कितने कितना सेल किया है, हमें ये बताइए कि सबने अपना टारगेट कितना परसेंट अचीव किया है। मतलब जिसको ये इंफॉर्मेशन हमें देनी है कि पूजा ने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कितना सेल किया है, इसकी क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मतलब है कि उसने अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है। तो टारगेट कितना है, मान लीजिए 70 टारगेट है, मतलब कि मुझे यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 70 करके रिजल्ट 92% यहाँ पे शो करना होगा। तो ये कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप 70 को एक सेल पे टाइप करें, उसको कॉपी करें और एक पर्टिकुलर लोकेशन में ले जाके पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे आप कर दीजिए डिवाइड, तो हर नंबर 70 से डिवाइड होगा और रिजल्ट आपके सामने पेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है हर महीने का अलग अलग हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगेन रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको रैंडमली हमने कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास हर महीने के लिए अलग अलग टारगेट है, हर पर्सन और हर मंथ के लिए अलग अलग टारगेट है। अगर उसको जैसा आपका डेटा है उसी सीक्वेंस में अगर आपने रखा हुआ है तो आप पूरी की पूरी एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर पेस्ट एज ए ऑपरेशन कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल और मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करूंगा तो सिक्वेंस ही होगा, जैसे कि ये 65 है और ये 52 है, तो 65 को 52 से डिवाइड होगा, देन 76 को 28 से होगा, देन 14 को 36 से होगा। तो जो ए आपका जिस पैटर्न में आपका ए है उसी पैटर्न से आपका डिवाइड भी होगा और फिर रिजल्ट आप अपने सामने ले सकते हैं। ठीक है क्लियर जी, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं? आप म्यूट कर रखे हैं शायद, इसलिए आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। नहीं ठीक है सर, ओके। अब अगली टॉपिक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा डेटा नहीं रख रहा हूँ, छोटा सा डेटा रख रहा हूँ सेल्स का। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी को फिल्टर किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक क्वांटिटी को चेक करना है, क्योंकि मान लीजिए इस पे इंसेंटिव या कमीशन या बिलिंग प्रोसेस करना है, तो मुझे अपने टीम से एक बार चेकआउट करवाना होगा कि सेल्स का क्या है। जैसे मान लीजिए कि 50 35 हमने क्वांटिटी भेजे थे, बट 5 पीस उनके डैमेज हुआ तो रिटर्न कर दिया, तो मतलब कि इस पर्सन ने 30 सेलिंग किया है। तो ऐसे कुछ करेक्शंस हैं, तो
तो हमने क्या किए कि जिस बंदे को बोला कि आप इसको थोड़ा सा चेक कर लो, उसने इसकी करेक्शंस वाली अमाउंट को इन्होंने आगने सामने वाली कॉलम में लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाले कॉलम में लिख तो दिया, लेकिन मुझे जब डेटा आगे भेजना है तो अपडेट करके भेजना है, जैसे कि यहाँ पे 30 होना चाहिए, यहाँ भी 30 होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे मेरे पास मान लीजिए कि 5 या 10 हजार या से ज्यादा का डेटा है, उसमें 1000 1500 करेक्शंस है, तो एक एक कॉपी पेस्ट करना मुश्किल होगा। हालांकि इसके लिए बहुत सारे फिल्टर और फॉर्मूले लगाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो चीज होगी वो होगी कि आप पूरे कॉलम को कॉपी करें। आप नॉर्मली आप पेस्ट करेंगे तो इसमें ब्लैंक भी पेस्ट हो जाता है, आपका जो डेटा उड़ जाता है, लेकिन मुझे इसके सामने ब्लैंक है उसको जैसा वैसा रहना है, लेकिन इसके सामने वैल्यू है उसी को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में तो यूज करेंगे स्किप ब्लैंक। पेस्ट स्पेशल में हमने क्या स्किप यूज किया, स्किप ब्लैंक, और इस स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने बाकी चीज पेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला टॉपिक आता है, वो आता है पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक मतलब अगर मैं मेरे पास एक डेटा है जो आप देख पा रहे हैं, और मुझे सेम डेटा को दूसरे जगह पे लिंक करना है, मैं चाहता हूं कि मैं जो यहाँ टाइप करूं वो यहाँ भी सेम शो हो, या इसी सीट पे या किसी और सीट पे या किसी और फाइल के किसी सीट पे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह ड्रैग कर देते हैं, मतलब कंट्रोल डी कर दिया मैंने, या कॉपी पेस्ट कर लीजिए जैसा आपको लगे, राइट, क्लियर क्लियर है। अब इसमें बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे ये नेम को चाहिए, फरवरी चाहिए, अभी नेम और मार्च चाहिए, तो उसमें आपको 1 बाय 1 करना पड़ जाता है। तो एक तरीका है कि आप जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे, इसमें जनवरी नेम और मार्च को सिलेक्ट करें, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहीं पे आपको पेस्ट स्पेशल शो होगा, ठीक है सर। ओके पेस्ट स्पेशल में आप यहां देखेंगे पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक क्लिक कीजिए, अब आपका लिंक हो गया। अगर मैं इस बार 35 की जगह पे अगर मैं 45 पे एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं यहां चेंज हो गया, हो गया सर। फर्स्ट वाले में चेंज करेंगे, सेकंड में इंपैक्ट आएगा। जी, लिंक हो गया ना। क्लियर है, क्लियर है सर। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर्स के बारे में। अब इसको हम यहां से फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, और यहां से हम साइज को भी थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके मैं चाहता हूं उसका पिक्चर बन जाए, तो सेलेक्ट किया यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर, ठीक है। पिक्चर्स बनने के बाद इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा और इस तरह से कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एक तरह से एक इमेज बन गया इसका।
देखिए यहां किसी तरह के चेंजिंग होगी तो इस पे कोई अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक की यूज करते हैं, लिंक पिक्चर। जब पेस्ट से पिक्चर लिंक इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है कि ये लिंक हो जाता है, और 45 की जगह पे मैं 50 करके एंटर मारा तो आप देखिए यहाँ 50 हो गया। हो गया सर, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे? हाँ जी सर।